हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो है ना हायर के बारे में बताऊंगी कि किस तरीके से ऑपरेट की जाती है और कितनी जो है ये बेनिफिशियल है या नहीं है, आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मेरी तो खैर ये दूसरी होगी, अच्छा मैंने 13 KG में की यूज़ की है, वो भी बहुत अच्छी थी। लेकिन ये है कि डेली कपड़े जो है बढ़ जाने की वजह से ज़्यादा हो जाते हैं, डेली के डेली चेंज होते हैं, इस वजह से मैंने जो है ना ये 13 KG में फिर जो है परचेज़ की। अच्छा, तो सबसे जो है इसमें मैं आपको ये बता दूंगी कि ये ऑपरेट कैसे की जाती है। इसमें जो है इसमें पावर का ऑप्शन है। सबसे पहले जो है ये आप जो है पावर का बटन ऑन करेंगे। पावर का बटन ऑन करने के बाद इसमें जो है आता है एक नॉर्मल, ठीक है, अगर कपड़ों पे डिपेंड करता है आपने नॉर्मल वॉश करने हैं, हैवी वॉश करने हैं, के स्टैंडर्ड है, सिल्क है, क्विक भी, जो भी करने हैं प्रोग्रामिंग आप उसकी वहां से जाके कर लेंगे। अगर नॉर्मल कपड़े धोने हैं, इतने ज्यादा मैले नहीं है, तो आप नॉर्मल पे करेंगे, उसमें आपके पास जो है 2 टाइम आपके कपड़े जो है वॉश हो जाएंगे, 15 मिनट जो है वॉशिंग करेगा। और वाटर लेवल जो है वो आप अपनी मर्जी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक इसमें एक खुद भी एडजस्ट है, स्पिन जो है वो 6 मिनट करेगा। तो मोस्टली जो है मेरे बच्चों के कपड़े होते हैं तो मैं उनको हैवी पे वॉश करती हूँ। अगर आप हैवी पे वॉश करेगा तो खुद ही इसमें वन टच में ही तमाम ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर हैवी पे आपने किया है तो 7 मिनट वॉश करेगा, और जो है इसमें 3 टाइम्स जो है वो उसको पानी से वॉश करेगा, 7 मिनट जो है इसको ड्राई करेगा, और 3 टाइम्स जो है ये इसको पानी से वॉश करेगा, और 20 मिनट्स इसकी जो है वॉशिंग टाइम होगा। और यहाँ पे अगर आप आ जाए, अब ये फिक्स है, ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहें वाटर लेवल यहाँ पे 6 है, कपड़ों के हिसाब से आपके अंदर वॉल्यूम कितना है कपड़ों का ज्यादा है तो वाटर लेवल ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा, कम होगा तो खुद ही ऑटोमेटिकली पानी कम लेगा। अगर आप फिर भी पढ़ाना चाह रहे हैं कि आपके ये कपड़े जो है ना पानी ज्यादा में वॉश हो, तो आप यहाँ से वाटर लेवल भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 6 है आप 7 कर दें, 8 कर दें, ठीक है, अगर आपके कपड़े ज्यादा हैं आप चेंज भी कर सकते हैं। आप इसका वॉशिंग टाइम 20 मिनट्स है, आप इसको रिंस जो है कम भी कर सकती हैं, 2 टाइम भी कर सकती हैं, ठीक है, 1 टाइम भी कर सकती हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। इसी तरह वॉशिंग, आप जो है वॉशिंग को भी चेंज कर सकती हैं, वॉशिंग भी आपके अपने जो है उसमें है कि आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ मेरा 20 मिनट्स हो गया है, 2 टाइम वॉश हो गया है, मैंने चेंज किया है और बाकी चीज़ सेम एज इट इज है, ठीक है, वाटर लेवल। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि नहीं, एक ही जो एडजस्ट है हैवी के ऊपर वही प्रोग्रामिंग करनी है, तो आप इसको दोबारा इस पे एडजस्ट करें हैवी के ऊपर, तो ये हो गया हैवी। अगर आप हैवी पे करेंगी जो एडजस्ट है वन टच है, उसमें 20 मिनट वॉश, 3 टाइम्स 7 मिनट्स जो है, और आपका टोटल टाइम जो है 81 मिनट्स लगेगा, जिसमें जो है आपके कपड़े वॉश हो जाएंगे। अब जब आप टाइम सेट कर लें, आप तमाम चीजें स्पिन भी आपने कर ली, वाटर लेवल भी कर लिया, रिंस भी कर लिया, वॉश भी कर लिया, तो फिर जो है आपको इसमें कपड़े पहले से डाल दें या डाल दें। इसमें एक अहम चीज जो है जरूरी है, वो इसमें आपको सर्फ डालने का दिया होता है, ये बॉक्स है, इसमें आप लिक्विड फॉर्म का भी डाल सकते हैं और जो है सर्फ ड्राई पाउडर फॉर्म भी डाल सकते हैं, लेकिन ये मैंने कभी यूज नहीं किया, क्योंकि अगर आप इसको यूज करते हैं तो इसमें जब मॉइस्चर आता है या पानी इनलेट होता है तो मशीन में वो जो है जमा रह जाता है, तो मैं जो हूँ डायरेक्ट ही इसके अंदर जो है सर्फ जो है डिटर्जेंट वगैरह जो है मैं ही डाल देती हूँ। डायरेक्ट डालने के बाद आप जब डिटर्जेंट इसके अंदर डाल देंगे तो इसका कैप करने के बाद आपने स्टार्ट का बटन दबाना है। जब आप स्टार्ट लाएंगे तो हो जाएगी जो यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है, बस आपने इतना काम करना है। उसके बाद जो है 81 मिनट्स के बाद मशीन आपको बजर दे देगी, आपने ड्राई एयर में डाल दें ताकि उसके मॉइस्चर जो है वो थोड़ा रिमूव हो जाए। ये था ऑपरेट करने का तरीका। और इसका जो ड्रेन पाइप है वो याद है, हमेशा जो है आपने ड्रेन पाइप को स्ट्रेट रखना है, ठीक है, ड्रेन पाइप को अक्सर लोग जो है इसका ड्रेन पाइप ऊपर करके रख देते हैं, तो आपने ऊपर नहीं रखना। तो अब मैं इसमें जो है आपको डिटर्जेंट डाल के स्टार्ट करके दिखा देती हूँ प्रोग्राम इसकी। अच्छा, तो ये है डिटर्जेंट, ठीक है,
ये डिटर्जेंट मैंने जो है इसमें जो है डाल दिया डायरेक्ट, और ये बेस्ट है कि आप डिटर्जेंट को डायरेक्ट ही इसमें डालें। आप डिटर्जेंट डालने के बाद इसका कर दें, और जैसे कि है कि मैं हैंड धोती हूँ भी उसमें धोती हूँ, तो प्रोग्रामिंग होती है मैंने रखा। अगर आप चावल रखना चाहें तो ये पावर ऑफ हुआ, ठीक है। ऑफ हुआ, अब मैंने ऑन की, ये नॉर्मल पे आ रही है। अगर मैं नॉर्मल पे ही वॉश करूंगी तो 6 मिनट्स जो है स्पिन में ले लेगा, और वाटर लेवल इसका जो एडजस्ट करेगा अंदर जो वॉल्यूम होगा, रिंस करेगा 2 टाइम 15 मिनट इसका वॉशिंग टाइम लगेगा। बट मैं जो वो हैवी कर रही हूँ, मैं इसका दबाया हैवी प्रेस किया, हैवी करने के बाद ऑटोमेटिकली 7 मिनट होगा, रिंस आपके 3 टाइम्स हो जाएंगे, वॉश आपका जो है सर्फ में जो है आपको कपड़ों को ये जो है 20 मिनट्स वॉश करेगा। अब ये सब एडजस्ट करने के बाद आपने दबाना है स्टार्ट। अब इसने ये जो है पानी लेना स्टार्ट कर दिया, ये आ गया है पानी स्टार्ट हो गया इसने। अब आपका काम हो गया है खत्म, ठीक है। ये एरिया है यहाँ से पानी आ रहा है, आपका काम हो गया खत्म। आपने जस्ट अब जो है 81 मिनट्स के बाद इसने बजर देना है, और आपने आके ड्राई क्लोथ्स इसमें से निकालने हैं। अब आप इसको जो है मशीन को स्टार्ट करके आप जाके सो भी सकते हैं, आप अपना काम भी कर सकते हैं, आप कहीं बाहर भी जा सकते हैं। आपके 81 मिनट गुजरने के बाद ये मशीन जो है कपड़े आपके ऑटोमेटिकली ड्राई करके अंदर रख देगी। कोई इतना ये नहीं है कि इशू हो जाएगा कि भाई मशीन बंद करनी है, नहीं, ये अपना जो वर्किंग करके अपना बंद कर देगी मशीन को। और अगर आप परचेज करना चाहें तो मेरी तरफ से बेस्ट ट्रिक यही है कि आप हमेशा, अगर फिलहाल तो 13 kg थी, अगर 15 kg में आ रही हो तो 15 kg ले लें, लेकिन 13 kg में एटलीस्ट जो है आपके डेली के 15 या 15 से ऊपर अब सूट जो हो सकते हैं आ जाते हैं आराम से। 10 kg 13 kg के 10 to 12 kg तो इसमें आराम से जो है आपके कपड़े धुल जाते हैं, छोटे ब्लैंकेट हो गए, ब्लैंकेट वगैरह भी जो अच्छे तरीके से आपके वॉश हो जाते हैं। तो इससे मुतालिक और भी कुछ पूछना हो तो मुझे बताइए, आपको और भी बता दूंगी बात, ठीक है, वो मैं सब, और ये जरूर मैं आपको बाकी चीजें भी बता दूंगी।